स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था उसमें दो एक्टिविटी के बारे में पढ़ा था. फर्स्ट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने ये पढ़ा कि जो एक्टिविटी हम पैसों के लिए करते हैं दैट इज नोन एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो एक्टिविटी हम एज अ सोशल वर्क करते हैं उसको हम बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब जब हमने उनके डिफरेंसेस पढ़े थे तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीन टाइप्स थे. एक था बिजनेस, सेकेंड था प्रोफेशन एंड थर्ड था एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो इन दैट फर्स्ट इज अ बिजनेस दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अवर बिजनेस? बिजनेस मीन्स एनी लीगल एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ द प्रॉफिट. मतलब ऐसी कोई भी लीगल एक्टिविटी जो प्रॉफिट के साथ कनेक्टेड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिजनेस. अब देखो, यहाँ बिजनेस का वर्ड में आपको भले बोला गया मोटिव ऑफ प्रॉफिट, लेकिन अगर आपको लॉस होता है फिर भी वो बिजनेस ही होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो अनदर थिंग इज एनी लीगल एक्टिविटी. लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आप करते हो तो ही आप उसे बिजनेस कह सकते हैं. If you are doing any illegal activity, then it is not your business. So just keep in your mind that business means any legal economic activity. एक ऐसा फॉर्म की जो क्या है, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है विथ द मोटिव ऑफ प्रॉफिट. मतलब हमारा हमने बिजनेस क्यों कर रहे हैं? तो प्रॉफिट के लिए. Right students? So this is all about the definition of the business. Again I can say that ऐसी कोई भी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम प्रॉफिट के मोटिव से करते हैं उसको हम बोलेंगे बिजनेस. नाउ इन दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक खोल के रख सकते हो, इट विल हेल्प यू. हियर ऑल द पॉइंट्स आर रिटन. नाउ इन दैट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, मतलब बिजनेस है तो उसकी खासियत क्या है, उसके अंदर कौन सी चीजें इंक्लूड की जाती है. तो दैट फर्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट. अब सबसे पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम बिजनेस क्यों करते हैं? प्रॉफिट के लिए. ऐसे टाइम पास करने के लिए तो हम बिजनेस करेंगे नहीं. हम बिजनेस क्यों करते हैं? टू गेट द प्रॉफिट. मतलब ऑब्जेक्टिव, मतलब हमें क्या उसमें से हासिल करना है. तो क्या हासिल करना है? प्रॉफिट. इसीलिए हम क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं. सो वी कैन से दैट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट के लिए ही तो हम बिजनेस करते हैं. ओके, नाउ द सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब जब आप बिजनेस करते हो तो किसकी लेन देन होती है? या तो आप गुड्स बेचोगे या तो आप सर्विस प्रोवाइड करोगे. ओके, जैसे कि अगर कोई पर्सन है जो प्लास्टिक का बिजनेस कर रहा है, ओके, तो वो क्या बेचेगा? प्लास्टिक बेचेगा, और उसके बदले उसको क्या मिलेगा? तो पैसा मिलेगा. तो वो उसका बिजनेस ही है ना. तो पहले तो आप गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो, और दूसरा के सर्विसेज भी एक्सचेंज होती है. जैसे कि अगर आपका कोई बिजनेस है तो जिसमें आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम का अगर आपका बिजनेस है, ओके, तो उसमें आप गुड्स बेचोगे भी, जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, एसी है, ये सारी चीजें आप बेचोगे, उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा. लेकिन उसमें आपको सर्विसेज भी देनी पड़ेगी. राइट, कि अगर आपने गारंटी दी है और अगर वो जो हमारा जो प्रोडक्ट है अगर वो बिगड़ जाता है, देन यू ऑल्सो हैव टू गिव देम द सर्विसेज. तो बिजनेस के अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है. मतलब आप गुड्स भी दोगे और सर्विसेज भी दोगे, और उसके बदले में आपको क्या मिलता है? आई कैन से द प्रॉफिट और आई कैन से द मनी. ओके, नाउ द थर्ड इज द रिस्क एंड द अनसर्टेनिटी. अब बिजनेस का एक रूल है, जहां प्रॉफिट होगा वहां रिस्क भी होगा. सो बिजनेस में हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटी होती है. अब रिस्क तो आपको समझ में आ गया कि बिजनेस करे,
तो शायद उसमें प्रॉफिट हो ना भी हो, फिर बिजनेस करने में भी बहुत बड़ा रिस्क होता है, इतना सारा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है तब जाके हमारा बिजनेस सेटअप होता है, तो रिस्क तो है। अब ये अनसर्टेनिटी क्या है कि जो हम लोगों ने कभी सोचा ना हो वैसा हमारे बिजनेस में हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है, तो सपोज मान लो कि आपका जो शॉप है वो अर्थक्वेक के कारण टूट गया, राइट, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो दैट इज अ अनसर्टेनिटी। आपने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा बट ऐसा हुआ, तो बिजनेस में ऐसा रहता है। फिर अगर फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आती है, तो ये सब की वजह से भी आपका बिजनेस अफेक्ट होता है। तो बिजनेस के अंदर रिस्क भी होता है और अनसर्टेनिटी भी होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फोर्थ इज द क्रिएशन ऑफ द यूटिलिटी। अब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में ना तीन पॉइंट्स है, हम यहाँ पे तीन यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। एक तो है हमारा फॉर्म, दूसरा है हमारा टाइम एंड तीसरा है हमारा प्लेस। ओके, सो इन दैट फर्स्ट वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द फॉर्म। अब क्रिएशन ऑफ फॉर्म क्या है, तो जब आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड के अंदर कन्वर्ट करते हो तब उसको हम बोलेंगे क्रिएशन ऑफ फॉर्म। फिर आपका प्रोडक्ट बनके रेडी हो गया, अब जो वो प्रोडक्ट बन गया उसको आप, जैसे कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप कहाँ बनाओगे, फैक्ट्री में बनाओगे, तो फैक्ट्री से उसे कहाँ लेके जाना है, मार्केट लेके। भी कोई भी कस्टमर सीधा फैक्ट्री में खरीदने नहीं आएगा, उसको आपको मार्केट में प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जो वो प्रोडक्ट बन गया है उस प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, और वो जगह कौन सी है, फ्रॉम फैक्ट्री टू द मार्केट। सो दैट इज द क्रिएशन ऑफ द प्लेस। जगह चेंज हुई, पहले कहां था, मार्केट में, सॉरी फर्स्ट था फैक्ट्री में, फिर कहां गया, मार्केट में। सो दैट इज नोन एज द क्रिएशन ऑफ द प्लेस। एंड थर्ड इज द क्रिएशन ऑफ द टाइम। तो टाइम कैसे, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि टाइम टू टाइम, जैसे मार्केट में आया तो सेल नहीं हो जाएगा सीधे, उसे कंज्यूम करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जांपल पटाखे सिर्फ दिवाली में बेचे जाते हैं, आप जनवरी के सीजन में पटाखे खरीदने नहीं जाओगे, राइट, तो उसको कंज्यूम करना पड़ता है, जब उसकी सीजन होती है तभी लोग उसको खरीदते है। सो दैट इज द टाइम, मतलब उसे बचा के रखना है, जब उसकी डिमांड हो तब हमें उसे सेल करना है। सो हियर वी स्टडी थ्री फॉर्म। एक तो है हमारा फॉर्म कि जिसमें हम रॉ मटेरियल में से फिनिश गुड बनाते हैं। फिर सेकेंड है प्लेस, तो हमारी फैक्ट्री से हम उसको मार्केट में लेके जाते हैं। एंड थर्ड इज द कंज्यूमिंग ऑफ टाइम। सो आप उसको क्या करके रखते हो, उसे उसका जो मार्केट में सेल करने का टाइम है तब तक आप उसे कंज्यूम करके रखते हो। ओके, सो दैट इज अवर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ कंटिन्यूस ऑफ एक्टिविटी। अब बिजनेस हमेशा चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। बिजनेस शुरू कर दिया फिर ऐसा नहीं कि दो दिन बाद काम नहीं होगा, इट इज नॉट लाइक दैट। बिजनेस शुरू किया है तो वो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक आपका बिजनेस बंद नहीं हो जाता। हाँ, अगर आपने अपना बिजनेस बंद कर दिया है तो कुछ काम नहीं होगा, लेकिन ये बिजनेस जब तक है, एग्जिस्ट करता है, तब तक वो क्या रहेगा, कंटिन्यू ही रहेगा। उसमें कोई ना कोई काम आता रहता है, रॉ मटेरियल लाओ, फिनिश गुड का सेल्स करो, अकाउंट संभालो, एडवर्टीजमेंट करो, दिस ऑल आर द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। सो वी कैन से दैट द बिजनेस इज द कंटिन्यूस ऑफ द एक्टिविटी। नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी। ऑफकोर्स मनी इज रिलेटेड विद बिजनेस इज रिलेटेड विद व्हाट मनी। पैसा नहीं होगा तो बिजनेस कहां से करोगे, और आप बिजनेस करते भी क्यों हो, पैसों के लिए, राइट। सो यहाँ पे अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो बिना पैसों के आप स्टार्ट कर सको। सो दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। पैसे होंगे तो बिजनेस होगा, पैसे नहीं होंगे तो बिजनेस भी नहीं होगा। सो वी कैन से दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द मनी। नाउ सेवेंथ इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में ही पढ़ लिया है कि एनी लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब
मतलब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब किसके साथ रिलेट करती है, तो पैसों के साथ रिलेट करती है. सो इट इज अ सिंपल दैट बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोल सकते हैं. अगर आपको कोई पूछे कि बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस, हमारे बिजनेस की खासियत है ये सारी. ओके, दैट वी हैव कंप्लीटेड. नाउ अब हम जब बिजनेस करते हैं तो हम क्यों करते हैं, हमें ऐसा तो क्या हासिल करना होता है कि हम बिजनेस करने के लिए. पहला तो पता चल गया कि भाई क्या करना है, प्रॉफिट कमाना, पैसा चाहिए. बिजनेस कर रहे हो तो पैसा आना ही चाहिए, तो आपका ये फर्स्ट तो क्लियर हो गया कि भाई प्रॉफिट करना है. लेकिन उसके साथ साथ हमें बिजनेस के अंदर बहुत अलग अलग ऑब्जेक्टिव रखते हैं जो हमें अचीव करना होता है. जैसे कि भाई आज एक फैक्ट्री है तो कल को हमको दूसरी फैक्ट्री भी खोलनी है, समझ में आया. तो ऐसे हमारे बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. ओके, इन दैट फर्स्ट इज द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और सेकेंड इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव. तो इन दैट फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पहला है दैट इज द प्रॉफिट. मतलब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में हम क्या इंक्लूड करेंगे, जो हमारे बिजनेस के रिलेटेड है. पैसा है, फैक्ट्री एक की दो करनी है, फिर हमें बहुत कुछ अचीव करना है, प्रेस्टीज मतलब मार्केट में हमारी वैल्यू होनी चाहिए, ये सारी हमारी इकोनॉमिक है, मतलब कनेक्टेड विद द बिजनेस. दैट ऑब्जेक्टिव इज नोन एज अ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. तो पहला तो है प्रॉफिट. ऑफकोर्स बिजनेस क्यों करते हो, प्रॉफिट के लिए. प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस का आएगा, राइट. सो वी कैन से द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज टू गेट द प्रॉफिट. ओके, देन सेकेंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ. हमें हमारा जो वर्क है, हमारा जो काम हम जहां पे करते हैं, उसको आपको मैक्सिमाइज करना है, आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है. अगर आप एक दुकान से बिजनेस चालू करते हो तो नेक्स्ट क्या होगा कि भाई मैं अपनी दुकान बढ़ी लू, एक हो गई, सेकेंड दुकान लू मैं, तीसरी लू, फिर कंपनी चालू करूं, पार्टनरशिप करूं. दिस इज द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ. मतलब आप क्या इंक्रीज कर रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रहे हो बिजनेस के लिए. पहले आप एक दुकान चलाते थे, फिर आपने शोरूम खोला, फिर आपने एक सुपर मॉल खोला, फिर आप एक हायर सेकंड मतलब बहुत बड़े बड़े मॉल्स आप खोलने लग गए. तो आप क्या इंक्रीज कर रहे हो, अपनी वेल्थ इंक्रीज कर रहे हो. मतलब जब शुरुआत होती है तब आप एक दुकान से शुरुआत करते हो, फिर धीरे धीरे जैसे आपके पास पैसे आने लगते हैं आप दूसरी दुकान खरीदते हो, फिर भी आपको प्रॉफिट होता है तो आप तीसरी दुकान खोलते हो. वैसे करते करते क्या होता है, आपका वेल्थ बढ़ता जाता है. तो ये भी हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है. कभी कोई भी बिजनेसमैन एक ही चीज पे सेटिस्फाई नहीं होता. आज अगर मेरी एक दुकान है तो कल को मैं यही सोच चुकी कि मुझे दूसरी दुकान लेनी है. सो दैट इज व्हाट द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ. नाउ थर्ड इज द अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. अब अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव कौन सी होती है, तो कि भाई हमें हमारी मार्केट में प्रेस्टीज चाहिए. अगर हम कोई अच्छी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हमारा ब्रांड होना चाहिए कि हमारे नाम से हमारा बिजनेस जाना जाए, हमारे नाम मार्केट में गूंजता रहे. दैट इज इंक्लूडेड इन अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. क्योंकि अगर हमारी प्रेस्टीज अच्छी होगी मार्केट में तो वो हमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगी. So that is included in the other economic objective. Now, economic objective is all are connected with what? Profit and the money. Now, second is the social objective. So in that first is the objective of the social responsibility. अगर आप business करते हो तो क्यों कर सकते हो business? क्योंकि society आपके साथ है, राइट. हमारे गांधी जी ने भी कहा था दैट योर कस्टमर इज योर गॉड, आपका ग्राहक आपका भगवान है, राइट. तो हमारा जो बिजनेस है वो हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमारी सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट है. तो हमें उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा. अगर हमारा प्रोडक्ट, हम बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड के प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन कोई खरीद नहीं आएगा तो तुम कहां से बेचोगे, राइट. आपके दुकान में कोई कस्टमर आता है, आप उसको कुछ भी बोल के निकाल देते हो तो आपकी प्रोडक्ट बिकेगी, नहीं बिकेगी. सो योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सोशल ऑब्जेक्टिव
इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कर सकते हो, तो आप गार्डन बनवा सकते हो, फिर आप पब्लिक जो प्रॉपर्टीज होती है उसे क्लीन कर सकते हो, बच्चों के लिए स्कूल्स बनवा सकते हो, दैट इज ऑल द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द सोसाइटी। हमें सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है। अगर आपको ये प्रॉफिट मिला है तो वो किसकी देन है, सोसाइटी की देन है। सो यू हैव टू डू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड योर सोसाइटी। सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना है, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देना है। एम्प्लॉयमेंट, यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस वर्ड, आपको लोगों को काम देना है, आपको अपॉर्चुनिटी इंक्रीज करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके बिजनेस में काम कर सके और उन लोगों को भी पैसे मिले। So that is our second objective. And the third objective to provide a quality goods and services. अब आप जो भी goods, हम लोगों ने इसके characteristics में पढ़ा था, that exchange of goods and services, right? मतलब हम किसकी लेन देन करते हैं, goods and services की, लेकिन वो goods and services कैसे होने चाहिए, क्वालिटी वाले होने चाहिए। फिर आप 100 रुपए की जो चीज है उसको आप 50 रुपीज में बेच रहे हो लेकिन उसकी क्वालिटी कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल दिवाली में अगर आप फटाके लेकर आए हो, ठीक है, और अगर आपको फटाके अच्छे ना मिले, मतलब फूटी नहीं रहे फटाके, तो आपको कैसा लगेगा, भाई उसने मेरे को चीट कर दिया, मतलब उसने आपको क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दिया नहीं है। सो यू हैव टू प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स एंड द सर्विसेस, मतलब आपको अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, इसलिए आपको हमेशा अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ही बेचना है। क्योंकि अगर अच्छा प्रोडक्ट बेचोगे तो आपके मार्केट में प्रेस्टीज अच्छी होगी और आपके सोशल ऑब्जेक्टिव भी वहां पे क्लियर हो जाएंगे। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड द क्वालिटी गुड्स एंड द सर्विसेज। गुड्स भी अच्छे देने हैं और सर्विसेज भी अच्छी देनी है। अगर आपकी दुकान में कोई आता है, आपके बिजनेस में आपसे कोई कुछ परचेज करने आता है, तो आपको उससे पोलाइटली बात करनी है। क्यों, आप उसको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? सो यू हैव टू टॉक विद देम पोलाइटली, और जो भी आप उसे सर्विसेज दे रहे हो वो आपको अच्छी देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बैंक में जाते हो और अगर वहां का कोई एम्प्लॉय आपसे रूडली बात करे तो आपको गुस्सा आ जाता है, किनको तो काम करना भी नहीं आता है। हमें ऐसा करना नहीं है, मतलब हमें अगर वो हमारे साथ अच्छे से बात नहीं करेगा तो हमें बुरा लगेगा, यस ऑफ कोर्स इट इज अ ह्यूमन बिहेवियर। सो फॉर दैट हमें जो भी हम गुड्स और सर्विसेज दे रहे हैं वो हमें अच्छी देनी है ताकि हमारा कस्टमर हमेशा हमसे खुश रहे। फोर्थ इज अ ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट अ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस। नाउ व्हाट इज दिस, द वर्ड मींस कि जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसको आप मिनिमम प्राइस के साथ बेचो, ऐसी प्राइस की जिसमें आपको प्रॉफिट भी होता है और आपका कस्टमर भी आपसे सेटिस्फाई होता है। जैसे कि मान लो अगर ऐसा आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो जो बनके रेडी होने में आपको 20 रुपीज में पड़ता है, मतलब जो भी खर्चा हुआ बनने में उसके हिसाब से एक प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होती है, 20, तो उसमें आप क्या ऐड कर सकते हो, 5 या 8 रुपीज प्रॉफिट ऐड कर सकते हो। तो वो 5 और 8% के साथ जो 28 में कस्टमर को मिलेगा तो वो कस्टमर उसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट ज्यादा महंगी होगी तो कस्टमर खरीदेगा नहीं। एज वी एग्जैक्ट से कि अगर ज्यादा एक्सपेंसिव अगर कोई चीज हम बेच रहे हैं तो कस्टमर से जल्दी से खरीदता नहीं, वो दो बार सोचेगा। जैसे कि अगर आप कहीं जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ शॉपिंग करने के लिए, तो अगर एवरेज प्राइस होगा तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे चलो ठीक है ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कोई एक्सपेंसिव, जैसे कि अगर आपको 10,000 की कोई ड्रेस पसंद आ गई और आप बोलो मम्मी को, मम्मी ये लेकर दे दो, तो मम्मी बोलेगी नहीं बेटा इतना महंगा हम नहीं ले सकते, राइट? तो ऐसी फेयर ट्रेड प्रैक्टिस हमें प्रोवाइड करनी है कि हर एक कस्टमर उसे अफोर्ड कर सके। समझना है, अगर हर एक कस्टमर उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है तो वो उसे परचेज भी नहीं करेगा, और परचेज नहीं करेगा तो फिर बिजनेस तो आपका आपका सेल तो होगा ही नहीं, तो बिजनेस में क्या होगा, लॉस भी हो सकता है। तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस तय करो ना, तब आपको ध्यान में किसको रखना है, कस्टमर को। क्या कस्टमर इस प्राइस के साथ खुश होगा,
कस्टमर इस प्राइस के साथ सेटिस्फाइड है, क्या कस्टमर इस प्राइस में प्रोडक्ट खरीद सकता है, दैट ऑल थिंग यू हैव टू कीप इन अ माइंड व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. सो दैट इज अवर फोर्थ ऑब्जेक्टिव टू अडॉप्ट अ फेयर ट्रेड प्रैक्टिस. नाउ फिफ्थ इज द अदर ऑब्जेक्टिव. अब अदर ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं. जिसके अगर आपके पास जो एम्प्लॉय काम करने आ रहा है, आप उसके स्टूडेंट को, उसके चाइल्ड को फ्री एजुकेशन दोगे, राइट. फिर सोशल में ऐसा हो सकता है कि ऑर्फेनेज में जो बच्चे हैं उनके लिए आप कोई डोनेशन दे दो, राइट. फिर आप रोड्स बनवा दो, फिर कहीं पे पब्लिक गार्डन ना हो तो आप गार्डन प्रोवाइड करो. दैट ऑल आर द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अवर बिजनेस. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंड दिस इज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अवर बिजनेस. सो हियर वी कंप्लीटेड अवर टॉपिक बिजनेस. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट और यू कैन शेयर विथ मी और यू कैन कॉल मी ऑल्सो. थैंक यू स्टूडेंट्स.